पानी अंदर देखो, अब पानी अंदर से निकालना पड़ेगा। इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, हम एक टप्पर के नीचे बना रहे हैं अपना। गाइस देखो अभी झटका लगा है जाने वाला ट्रक किसी भी टाइम, और ड्राइवर अंदर ही सो रहा था। तो गाइस आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ ऑफ बीट कैंपिंग करने। तो अभी ये सारी बाइकें खड़ी हैं और निकल रहे हैं हम घर से अभी। तो निकलते हैं, अब मिलते हैं आगे रास्ते में। अपनी बाइक को थोड़ा नाश्ता वास्ता करा दिया जाए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं राजा जी टाइगर रिजर्व के पास। तो बस अब यहाँ से थोड़ा ही रह गया ऋषिकेश, लगभग 15-16 किलोमीटर रह गया टाइगर रिजर्व के बाद। ये पूरा जो भी एरिया दिख रहा है आपको जंगल, ये सारा राजा जी पार्क के अंदर आता है, राजा जी नेशनल पार्क। आगे शिवपुरी जा रहे हैं। तो अभी पहाड़ों में एंटर हो चुके हैं, बद्रीनाथ 291, केदारनाथ 223। तो बस हमें तो अभी शिवपुरी तक ही जाना है जो यहाँ से 14-15 किलोमीटर है, फिर बस वहाँ पे आप कैंपिंग करेंगे। अब पहाड़ों में ऐसा ही मिलेगा लैंडस्लाइड, क्योंकि बारिशों में पहाड़ खिसक जाते हैं और बहुत डेंजर हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे शिवपुरी में कैंपिंग जो है बैन है, क्योंकि यहाँ पे अपनी लोगों की बहुत सारी कैंप साइट्स हैं। तो हम यहाँ पे अभी सर्च कर रहे हैं, तो कुछ उन्होंने बताया कुछ पेड कर रहे हैं कैंपिंग करने के लिए। तो अभी हम सर्च कर रहे हैं, देखो यहाँ पूरा जंगल है। देख देख जी, अपने गांव वालों की अगर मदद मिलती है तो गांव वालों की मदद से उनके स्पेस पे हम लगा सकते हैं। वैसे हमने एक बात की है तो उनसे हमारी डील हो गई है, वो कुछ पैसे लेंगे, पैसे लेकर हमारा टेंट लगवा देंगे। बट हम अभी थोड़ा अच्छा सा व्यू वाला पॉइंट ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाए तो वहीं पर आ जाए अपनी कैंपिंग करेंगे। तो बाकी मौसम तो ऊपर देखो क्या सेक्सी हो रहा है मौसम, और नीचे रिवर है। तो गाइस अब कर रहे हैं हम रिवर क्रॉसिंग, आई होप मैं गिरूंगा नहीं। Let's go. Let's go. Let's go. Full to enjoy हो रहा है आज वाटर क्रॉसिंग में। Let's go. पहली बार टेस्ट हो रहा है मेरी एक्सपल्स का वाटर क्रॉसिंग में, तो ये अपने परफॉर्मेंस में खरी उतरी है। और यहाँ देखो गाइस फ्लो ज्यादा है यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे संभल के चलना पड़ेगा। कहाँ से जाया जाए, Let's go. Let's go. और ये एक्सपल्स सारे पड़ाव पार करती जा रही है हमारी। Let's go. तो गाइस पूरी मशक्कत के बाद हमने एक जगह ढूंढ लिया है जो कि रिवर साइड है। तो आज रिवर साइड कैंपिंग होने वाली है हमारी। तो अभी तो बाकी ज्यादा नहीं दिखेगा, सुबह नज़ारे दिखाएंगे अभी आपको। तो अभी यहाँ पे हम अपना टेंट पिच कर रहे हैं और फिर दिखाते हैं आपको टाइम लैप्स। और ये आवाज़ सुन सकते हैं आप नदी की, ये यहाँ से नदी बह रही है। तो ये नज़ारा तो आपको सुबह देखने को मिलेगा बढ़िया। ये देखो आवाज़ सुनो एक बार। तो बस अब अपना टेंट गाड़ते हैं, उसके बाद फिर खाना भी बनाना है। तो करते हैं बाद में बात, थोड़ा खाना वाना बना के उसके बाद बात करते हैं। तो अभी टेंट पिच कर रहे हैं। अभी टेंट वगैरह सब पिच हो गए हैं। तो भाई अभी तो बाहर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो हमने यहाँ एक शेल्टर के नीचे अपना ये लगाया है चूल्हा, और चाय बना रहे हैं बस अभी। और चाय आप लोगों को पता ही है, एक स्पेशलिस्ट बंदा है हमारे साथ, वही बनाता है, बीटेक कर रखी है और बीटेक चाय वाला है वो। और ये है वो, नहीं ये जो एरो दिखा रहा ना दूसरे की तरफ, यही यही है बीटेक वाला। तो गाइस फाइनली चाय बन गई है, तो कैसी चाय?
गाइस अभी चाय अभी सर्व हो रही है, खाना पुना कुछ बना रहे हैं। तो एक चाय विद ब्रेड। तो गाइस इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, हम एक डंपर के नीचे बना रहे हैं अपना खाना। ये देखो, ये देखो गाइस बारिश किस तरह पड़ रही है, ये देखो आप देख सकते हो। और ये गाइस बड़ा ही हमने रिस्की काम किया है यहाँ पे, पर क्या कर सकते हैं, बारिश इतनी है, हमें अपने टेंट हमारे पूरे पानी में भीग चुके हैं। और गाइस मैंने चिकन बना लिया है, अभी हमें पुलाव बनाना है, तो वो पनीर के साथ पुलाव है। कुछ हमारे फ्रेंड्स है जो वेजिटेरियन भी, और बारिश में हम किसी को भूखा नहीं रखेंगे। हमारे पास टमाटर भी है, आपको टमाटर धोने के लिए कहीं जाना, बहुत जोर बारिश हो रही है, आप ऐसे करो। टमाटर धुल गए, देखो टमाटर धुल गए। गाइस डंपर के नीचे खाना बन रहा है हमारा, टमाटर बहुत सही से धुल गए, देखो काफी फ्रेश लग रहे हैं। आप देखो, आप घर में भी धोगे इतने फ्रेश नहीं मिलेंगे। और ये हमारी प्लेट है, अभी हम चॉपिंग करेंगे। गाइस हमारे पे चाकू नहीं है, ये वीडियो वायरल होनी चाहिए। गाइस आप लोगों ने तो अपनी सब्जी चाकू से काट के बना लियो, लेकिन गाइस हम तो ऐसे बना रहे हैं। सो गाइस आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ऐसी ही एडवेंचर वाली वीडियोस दिखाते रहेंगे। ये अगर आप एक लव्य की तरह मुझसे दान मांगोगे होता तो मैं आपको ये नहीं दे सकता, बिकॉज इससे हमें चॉपिंग करनी पड़ती है गाइस। और गाइस ये आप देख रहे हो, हम डंपर के नीचे, देखो डंपर के नीचे हम अपना खाना, आपने हमारा किचन बना हुआ है। और ये वीडियो बड़ी ही खतरनाक होने वाली है, और उसको गाइस आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइस आप हमारे साथ बने रहो, और हम आपको ऐसी एडवेंचर्स वीडियो आगे दिखाते रहेंगे। आप देख सकते हो यहाँ का माहौल, बाकी काम तू जा, पूरा बिगड़ चुका है। बारिश एकदम हो गया क्या, खतरनाक बारिश हो रही है। और यहाँ पे जो बिल्कुल जस्ट बगल में रिवर है, रिवर का लेवल ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो हमने अपने वहाँ से कैंप अपने यहाँ पे शिफ्ट कर लिए हैं, लेकिन कैंप में हम रह नहीं सकते क्योंकि कैंप ऑलमोस्ट हमारे भीग भर चुके हैं। भाई यहाँ पूरा पानी अंदर, देखो अब पानी अंदर से निकालना पड़ेगा। ये सीन दिखा दो, कोई बात नहीं, इसे अंदर कर दे। तो गाइस इधर देख रहे थे, और ये देखो पूरा फ्लो आ चुका है, अभी नहीं दिख रहा भाई, खतरनाक पूरा फ्लो। ये देखो ये पूरी भर गई है, पूरा भर चुका है। तो अभी आपको मैं नोटिफाई करता रहूंगा जो भी अपडेट रहेगा। अभी तो बस हम कर रहे हैं किसी तरीके से, सामान बच जाए जो चार्जिंग वगैरह का है। गाइस बारिश बहुत तेज हो गई है, और हमारे साथ के यहां पे एलईडी में काम करते हैं, उन्होंने बोला कि पानी का बहाव बढ़ रहा है, तो आप फटाफट अपना सामान लेके आगे जाए। तो गाइस हम आपको अभी पूरी बात नहीं बता सकते, अभी गाइस चावल पक गए। ये देखो ट्रक के नीचे खाना बनाना पड़ रहा है क्योंकि और कोई जगह बची। तो गाइस रात हमने यहाँ कैंपिंग करी थी, रिवर साइड कैंपिंग, जो रात तो हम दिखा नहीं पाए क्योंकि पूरी रात रेन हुई, हैवी रेन हुई, और अभी भी हो रही है रेन, ये देख सकते हो आप। और यहाँ टेंट लगा लिया हमने, पहले वहाँ थे नदी के पास, एक टेंट अभी भी वहीं लगा हुआ है। फिर उसके बाद हमने वहाँ रात को हैवी फ्लो हो गया था नदी का, तो थोड़ा डर लग रहा था तो हम पीछे ले आए। तो बस अभी दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई है, मिलते हैं बाद में, चाय बनाएंगे अब। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना हैवी फ्लो हो रहा है अभी भी, ये देखो इसका लेवल बढ़ता जा रहा है नदी का, क्योंकि पीछे की तरफ बाहर ऊपर पहाड़ में बहुत बारिश हो रही है, तो यहाँ लेवल बढ़ता जा रहा है इसका। तो गाइस अभी हमारे चाय स्पेशलिस्ट जग गए हैं। गुड मॉर्निंग, चाय नहीं बोल रहा, गुड मॉर्निंग सुरभि भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप ये देखना, टीएस बोलते टीएस, और हमारी जो कैंपिंग इस साइड पे लगी हुई थी, तो वो इस साइड भी पानी कट गया था, तो इस वजह से हमें अपनी कैंपिंग उधर लगानी पड़ी, दिखा दे रहा हूँ उधर उधर लगानी पड़ी। आप देख सकते हो पूरा लैंड तो गाइस देखो फ्लो कितना ज़्यादा हो गया है नदी का। तो मैं रिकमेंड करूँगा कभी मानसून में अगर आप कैंपिंग करने आ रहे हैं तो कभी नदी के किनारे मत लगाएं, थोड़ा दूर ही लगाएं, नहीं तो रात को कभी भी पानी बढ़ सकता है, जैसा हमारे साथ हुआ रात, बहुत ज़्यादा पानी इसमें बढ़ गया था लेवल इसका। और फ्लो अभी भी देख सकते हो आप कितना ज़्यादा है। ये रात कल जब हम आए थे यहाँ पे, सूखी हुई नदी थी थोड़ी सी, बीच बीच में इसमें पानी चल रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो गाइस अनफॉर्चुनेटली इस कैंपिंग में हम आपको रात भी सिर्फ चाय दिखा पाए और अभी सिर्फ चाय दिखा पाएंगे। तो ये अभी स्पेशलिस्ट ने चाय बना दी है, और ये फैंस ले आए हैं, हो गया फैंस में क्रीम रोल, सॉरी ये क्रीम रोल है गाइस, यही बनाया था गाइस, ये किचन हमने डंपर के नीचे बना रखा था, ये देखो पूरा डंपर है, इसी के नीचे हमने रात 12 बजे खाना बनाया अपना, क्योंकि हैवी रेन इतनी हो रही थी, बस पूछो मत कि कहीं जगह ही नहीं मिली हमें।
और ये देखो एक बार व्यू देखो यहाँ का, कैसे बादल तैर रहे हैं अब। गाइस एक बार चाय की क्वांटिटी देखो, ये इतनी सी मिली है हमें और एक ये क्रीम रोल, बस आज इतना ही ब्रेकफास्ट होगा हमारा। तो गाइस जहाँ हमने रात अपना टेंट पिच किया है, तो ये एक पूरी कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे चार धाम का प्रोजेक्ट चल रहा है रेलवे का। तो अब सीधा इसी कैसे चार धाम आप रेलवे से भी जा पाएंगे, तो ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। ट्रक भी दिखा दो, ट्रक यहाँ से रुक जाने वाला है, एक फुट बचा हुआ है। रात हम कैंपिंग करने वाले थे। कंस्ट्रक्शन साइट है रेलवे की, जो कि चार धाम के लिए बनने वाली है। तो अभी आगे जाके दिखाते हैं आपको, टनल भी बनी है। तो गाइस रात फ्लो इतना ज़्यादा आया नदी का, ये जो नदी है इसने पूरी मिट्टी काट दी है यहाँ पे। ये जरा ट्रक के सामने देखो, जरा सा बच रहा है, आगे का पूरा काट दिया है। तो ये ट्रक बिल्कुल एक फुट रह गया, इसके आगे कम से कम 5 फीट था आगे। तो ये पूरी कंस्ट्रक्शन साइट है रेलवे की। तो वो सामने वहाँ दिख रही है, वो टनल बन रही है वहाँ पे। गाइस सामने देखो अभी भी गिर रहा है वो, देखो कैसे गिर रहा है वो। दीपो ओ इधर आ, गिर रही देख कैसे मिट्टी देख, पूरा कट रहा है ये, ऐसे टेन लगे थे रिवर के फ्लो से, पूरा कट रहा है, पूरी मिट्टी नीचे गिर रही है। तो अभी ये ट्रक को हटाने के लिए क्रेन लाया जा रही है, क्योंकि इसका ड्राइवर है नहीं अभी ट्रक का, तो इससे इसे बैक किया जाएगा खींच के। तो गाइस ट्रक को रेस्क्यू करने के लिए अभी एक और क्रेन आ गई है, क्योंकि अभी वो कोई टाइम जा रहा है उसका गिरने का, आगे से सारी मिट्टी कट गई है उसके आगे से। तो अभी ये रेस्क्यू कर रहे हैं। अरे निकल जा। गाइस देखो अभी झटका लगा है, जाने वाला है ट्रक किसी भी टाइम, और ड्राइवर अंदर ही सो रहा था। और देख सकते हैं आप टायर कहाँ पे आ गया है एज पे, और ये पूरी बहती जा रही है, इस नदी के फ्लो से कट रहा है पूरा मिट्टी। और अभी फटाफट ट्रेन से लगा रहे हैं पट्टा और पीछे खींचेंगे। इतनी देर सो रखा पता उसे होश ही नहीं। तो गाइस अभी क्रेन का पट्टा भी टूट गया है, पूरा रेस्क्यू चल रहा है गाइस यहाँ पे। ट्रक अभी किसी भी टाइम नीचे गिरने वाला है, और नीचे देखो टायर आगे वाला बस गिरने ही वाला है। तो गाइस अभी कोई 1 इंच अटका हुआ है बस, और जरा सी मिट्टी खिसकी तो ये ट्रक नीचे नदी में चला जाएगा। चलो गाइस निकल गया ट्रक, बच गई ट्रक वाले की भी जान और ट्रक की भी। ये देखो कैसा हो रहा है यहाँ पे, हमारा रिपोर्टर अभी पूरी इंक्वायरी करके आया, तो ये बताएंगे क्या सीन हुआ यहाँ पे। तो गाइस हमारी किस्मत अच्छी थी कि रात हमने यहाँ पे टेंट नहीं लगाई, वरना हमने यहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट करी यहाँ पे टेंट लगाने की, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं होता, थप्पड़ थप्पड़ बहुत बच गए, एक कैमरे में लाइट लगी थी और हम बच गए। आप देख सकते हो ट्रक का क्या हाल हो रखा है, झटका लगा नीचे से तब उठा ड्राइवर, पूरी जिंदगी बदल देती है 1 सेकंड। तो गाइस अब निकलने की तैयारी हो गई है हमारी यहाँ से, इस रिवर का फ्लो बढ़ता ही जा रहा है। अभी जो मैंने आपको रेस्क्यू दिखाया ट्रक गिरने वाला था, तो अब हम भी यहाँ से फटाफट निकल रहे हैं। हमने पैक कर लिया अपना सारा सामान, लोड हो गई है बाइक, तो बस अब निकलते हैं घर की तरफ।